बीकॉम पार्ट थर्ड के इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस में हम आज बच्चों देख रहे हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, जिसका पार्ट सेकंड आज हम देख रहे हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्या होती है और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या होती है। अब उसको समझने के बाद में हम उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल देखने जा रहे हैं। तो जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगी उससे जो गेन होगा वो निश्चित रूप से क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और जो लॉन्ग टर्म एसेट होगी उससे जो गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। लेकिन फिर भी इसमें जो है कुछ थोड़े से रूल्स भी होते हैं, तो उनको रूल्स को हमें जो देखना जरूरी है कि किस प्रकार से इसको लिया जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, अप्रैल 2019 में मिस्टर राम जो थे उन्होंने अपनी जो हाउस प्रॉपर्टी को सेल किया, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को, जो कि उन्होंने जो थी मई 2002 में जो है उन्होंने परचेज की थी। और सेल कब किया उसको उन्होंने जो है, विच वॉज परचेज इन मई 2002। कैपिटल गेन जो है उनका जो है इन अप्रैल 2019 में उन्होंने जो है सेल किया है। तो कैपिटल गेन ऑन सच सेल अमाउंटेड टू ₹8,40,000, उनको 8,40,000 रुपये का जो है उस पर कैपिटल गेन हुआ है। आपको कैपिटल गेन भी क्वेश्चन में दे रखा है। इन दिस केस द हाउस प्रॉपर्टी इज ए लॉन्ग टर्म, क्योंकि 2002 से लेकर के 2019 तक का पीरियड जो है उसमें हम इसे जो है लॉन्ग टर्म मानते हैं, तो ये 8,40,000 का जो गेन है इसे लॉन्ग टर्म माना जाएगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि अप्रैल 2019 में मिस्टर रमेश थे उन्होंने अपनी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को सेल किया, और उन्होंने वो मई 2017 में खरीदी थी। तो 2017 से 2019 का पीरियड जो हम मानते हैं कि इन कैपिटल गेन जो है उसको 8,40,000 का जो हो रहा है वो शॉर्ट टर्म से हो रहा है, इसलिए जो है इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, क्योंकि 24 मंथ से कम है। इसी तरह से रीजंस फॉर बायफर्केशन ऑफ कैपिटल गेन इनटू लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हम देखते हैं कि इसका रीज़न क्या है कि हम इसे बायफर्केट करते हैं। तो टैक्सेबिलिटी दोनों की एक्चुअली अलग अलग है। जैसे शॉर्ट टर्म पर क्या होता है कि कोई छूटे नहीं है, लॉन्ग टर्म पर कुछ छूटे मिल जाती हैं उसको, तो इसलिए दोनों को अलग अलग करना जरूरी है, बायफर्केशन अलग अलग जरूरी है कि शॉर्ट टर्म कौन सी लॉन्ग टर्म कौन सी है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम ये जो नए रूल्स में भी इस प्रकार से लिया जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो भी अराइज हो रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होगा, और उसको हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन उसका पहले आप ले लीजिए। जैसे आपने उसको बेचा 8,40,000 में, तो 8,40,000 यहाँ पे पूरा ले लीजिए। उसमें से एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड होली और एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, उसी संपत्ति से संबंधित जो भी ब्रोकरेज का खर्चा है, कमीशन का खर्चा है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, उन खर्चों को उसमें से कंसिडरेशन में से माइनस कर दिया जाएगा, तो उसका नेट कंसिडरेशन आ जाएगा 8,40,000 में से मान लीजिए उसका 40,000 का खर्चा है, तो 8,00,000 का नेट कंसिडरेशन आपने ले लिया। अब इस नेट कंसिडरेशन को लेने के बाद में उसकी इंडेक्स्ड वैल्यू निकाली जाएगी, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म एसेट है, बहुत पहले खरीदी आपने, तो उसकी वैल्यू जो है चेंज करते हुए इंडेक्स्ड एक वैल्यू आपको मैं नेक्स्ट वाले पार्ट थर्ड में समझाऊंगी कि इस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकाला जाएगा और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैसे निकाला जाएगा। तो दोनों को निकाल करके फिर जो है इसकी वैल्यू जो है कैलकुलेट की जाएगी, और ये होगा उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इंडेक्सेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को एडजस्ट किया जाता है अगेंस्ट इन्फ्लेशनरी राइजिंग इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, है ना। वैल्यू ऑफ एसेट्स बढ़ गई और आपकी पुरानी संपत्ति है, तो उसको जो है आज की रेट के अकॉर्डिंग जो है उसको इंडेक्साइजेशन किया जाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, उन्होंने नोटिफाइड कर रखा है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है। द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन इज अवेलेबल ओनली टू लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, उन्हीं को जो इनका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इसकी एसेट भी देखिए भाई बहुत पुरानी एसेट है। अब उसको आपने सेल किया और अभी तो आपको मिल रहा है 40,00,000 और खरीदी आपने 4,00,000 में, तो इतने 36,00,000 पे आप उसका इंटरेस्ट दे रहे हैं, टैक्स चुकाएंगे, तो ये बहुत मुश्किल होगी। तो इसलिए आप क्या करते हो, जो आपकी जो 4,00,000 में खरीदी हुई संपत्ति थी और अभी 40 में बेचो, तो 4,00,000 का इंडेक्सेशन करके उसकी रेट को इन्फ्लेमेटरी किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। इतना सालों में जो इन्फ्लेमेशन हुआ उसमें जो इन्फ्लेशन हुआ उसे इन्फ्लेशन से उसके बढ़ा करके और उसकी रेट ली जाएगी, तो अपने आप ही कैपिटल गेन कम होगा। बच्चों ये बात हमेशा याद रखिए कि हम उसका टैक्स कम कर सकते हैं एज पर रूल्स, है ना। तो आपने क्या किया, उसके कॉस्ट को ज़्यादा बढ़ा दिया, इंडेक्साइज कर दिया, तो वो रेट उसकी बढ़ गई, और इससे बढ़ने से सेल्स में से कॉस्ट को माइनस करने पर डिफरेंस विल बी लेस, डिफरेंस कम होगा। जैसे डिफरेंस कम होगा वैसे उसका टैक्स जो है कम होगा। तो हमें ये जो है रूल के अकॉर्डिंग उसका इंडेक्सेशन केवल फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कर सकते हैं। धन्यवाद।